Hey guys, welcome to my new blog. So guys, आप लोग कैसे आई हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys, तभी का सीन ये है कि हम लोग आए हैं माहिल तालाब. तो पहले भी एक बार आ चुके हैं लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था. तो अभी ये काफ़ी सुंदर बन चुका है. देखो पीछे काफ़ी अच्छी देखो पेंटिंग हो रखी है पूरी, मतलब ऐसी वॉल पे ऐसी पेंटिंग कर रखी है और अभी भी हो ही रही है पेंटिंग. सो गाइस, तो मतलब हम लोगों ने ऐसी रैंडम ही प्लान बना लिया था आज माहिल तालाब जाने का. तो अभी आए हैं और जब हम पहली बार आए थे ना, तब स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी. इतनी भीड़ थी मतलब ऐसा लग रहा था पैर रखने की भी जगह नहीं थी. बट अब ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम भी हो गया और ये फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, तो शायद इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है, काफ़ी शांति है. तो अभी देखते हैं चल के और दिखाते हैं कि कैसा बन गया है नया माहिल तालाब पुरई का. तो काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है. तो अभी और चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाएंगे. देखो अरु और अरु के पापा. अरु देख ड्राइंग, देख ड्राइंग, देखो कितनी सुंदर है. देखो वाओ, देख कितनी सुंदर है, बनाएगा कितनी सुंदर है पेंटिंग. और ये देखिए लाइटिंग यहाँ से काफी अच्छी दिख रही है. तो बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, रात हो गई है. जहाँ पे लाइटिंग नहीं है वहाँ पे काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा है. कोई पहले से कोई प्लान ही नहीं था आने का, अचानक ही आ गए. ऐसे ही सोचा कहीं चलते हैं घूमने, तो सोचा कहाँ चलेंगे, तो माहिल तालाब भी चलते हैं, देख लेते हैं. अभी बहुत टाइम से देखा भी नहीं, आए नहीं है. चलो और आगे चलते हैं. तो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं. देखो बोट बोट सभी शांत खड़े हैं. थोड़ी देर भी हो गई हम लोगों को आने में इसलिए, और यहाँ पे शांति हो गई बिल्कुल. देखो देखो डक, हाँ रियल की हैं और क्या. देखो बोल भी रही हैं. चलो उधर जाओ पापा के पास. ये देखो यहाँ पे कैंटीन भी बन गई है. ये देख लो आप लोग, रेट देख सकते हैं. पैडल बोटिंग प्रति व्यक्ति 37 रुपये, स्टीमर बोटिंग 80 रुपये. और ये यहाँ पे टिकट काटने वाले भैया बैठे हैं. ये लाइट्स अभी बंद है, जल ही नहीं रही हैं. यहाँ पे जल रही हैं लाइट्स. और डक अभी फिलहाल सभी बंद खड़ी हैं. बोट स्टीमर सभी बंद है. ये है तालाब, ये है ये स्टीमर, अभी सब बंद है. अरे डक देख रहा है, देखो डक भी देख रही है. अपन कुछ खाने के लिए नहीं लाए ना, बोल रही. हाँ मजा आया डक देख के. कह रही अरु, ये कह रही अरु 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 कह रही, पानी पी रही.
कुछ बनेगा अभी। मिक्की माउस भी लगेगा, अरुए भी देखो डला है, मिक्की माउस लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग वापस आ गए हैं मम्मू ले घूम के तालाब से, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो आगे देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि घर ही जाएं, कहीं दीदी के घर भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से तो फिलहाल निकलते हैं बाहर, जय मैया रानी, चलते ही हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोग माल तालाब से सीधा आए हैं कोडोल्स पिज्ज़ा लेने। तो अभी ऑर्डर कर दिया था पहले फ़ोन से, और जहाँ तक पिज्ज़ा बन ही गया होगा तो अभी बस लेना ही है, ले लेते हैं पिज्ज़ा। डैडी के पास हम लोगों का पिज्जा हो गया है पैक। अरे वाह, ये तो वही है बर्गर बड़ी पे, और ये है चॉकलेट सॉस का है, ये ज्यादा हो गया, ये उसके ज्यादा बस चेक करते बात नहीं। अरे वाह रु, मम्मा हां रख लो बैग में, रख ले, पेमेंट हो गया भैया, थैंक यू भैया, चलो चलो आप गरम गरम। तो अभी हम लोगों का पिज्जा हो गया है पैक, और ये अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, तो वहीं जाके हम लोग पिज्जा एंजॉय करेंगे। जाके दीदी के यहाँ चलते हैं, लाओ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर, और अभी चलते हैं अंदर, तो पिज्जा ले लेते हैं अपना। आ दिया, चलो ये ये ना ना ना। हम लोग आ गए घर वापस, तो दीदी के घर रुके थोड़ी बहुत देर, खाया पिया और वहाँ पे थोड़ी बातें वातें करी, और अभी आ गए हैं वापस। अभी रात का भी टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं रात के। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सो गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रहा देखो अरुआ, तो सो गाइस देखो मेरे बाल कट गए, अरु के बाल कट गए, देखो हेयर कट हो गया। सो गाइस, तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय, गुड नाइट, बाय।